हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि है नेटवर्क थ्योरी। चाहे आप डबल ई के हो या ईसीई के हो या ट्रिपल ई के हो या इंस्ट्रूमेंटेशन के हो, नेटवर्क थ्योरी सबसे बेसिक सब्जेक्ट है। ओके, तो इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके? लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं सो दैट आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा सही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, चारों ऑप्शंस में सुपर पोजिशन थ्योरम के बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज सुपर पोजिशन थ्योरम। हाँ जी, तो देखिए सुपर पोजिशन थ्योरम क्या होता है। इसका स्टेटमेंट है कि इफ अ नेटवर्क हैज मोर देन वन सोर्स, या तो वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स, इसमें से कोई भी सोर्स हो सकता है, then the response in any one branch is equal to the algebraic sum of the responses caused by each source acting alone. इसका कहने का मतलब कि यदि किसी नेटवर्क में एक से ज़्यादा सोर्सेज हों और हम उस नेटवर्क के किसी एक ब्रांच के वोल्टेज या फिर उस ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट को जानना चाहते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू अल्जेब्राइक सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज कॉज्ड बाय ईच सोर्स एक्टिंग अलोन। इसका मतलब कि नेटवर्क में जितने भी सोर्स लगे हुए हैं सबको हम बारी बारी से एक्ट कराएंगे और हर एक सोर्स की वजह से किसी एक ब्रांच में किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम नोट करेंगे और फाइनली उन सभी रिस्पॉन्सेज को अल्जेब्रिकली सम करेंगे। ओके? इसके साथ ही यदि कोई दूसरा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो उसे हम करेंगे शॉर्ट सर्क्यूट, यदि कोई करंट सोर्स लगा हुआ है उसे हम करेंगे ओपन सर्क्यूट, और यदि कोई डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है तो उसे हम एज इट इज लिखेंगे, यानी कि ना ही उसे हम शॉर्ट सर्क्यूट करेंगे ना ही ओपन सर्क्यूट करेंगे। ओके? अब देखिए इस स्टेटमेंट में जो वर्ड यूज हुआ है रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स हो सकता है वोल्टेज, यह रिस्पॉन्स हो सकता है करंट, लेकिन यह रिस्पॉन्स पावर नहीं हो सकता है। ओके? क्योंकि सुपर पोजिशन थ्योरम पावर के लिए वैलिड नहीं होता है। ओके? सुपर पोजिशन थ्योरम के बारे में एक और पॉइंट नोट करिएगा, यह थ्योरम वैलिड होता है लीनियर एंड बायलेटरल एलिमेंट्स में। तो रीड करिए ऑप्शंस को। ऑप्शन ए कहता है कि सुपर पोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वोल्टेज कैलकुलेशन, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन बी कहता है कि सुपर पोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन, ये बिल्कुल सही है। सुपर पोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बायलेटरल एलिमेंट्स, ये गलत है। एंड ऑप्शन डी कहता है सुपर पोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पैसिव एलिमेंट्स, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके? थोड़ा सा और समझते हैं इस थ्योरम को। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, दिस इज अ नेटवर्क हैविंग मोर देन वन सोर्स, यानी कि एक सोर्स इसका यहाँ है, दिस इज वोल्टेज सोर्स, एंड दूसरा सोर्स इसका यहाँ है, दिस इज करंट सोर्स। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों सोर्स जो भी होंगे ये दोनों एंड पे होंगे, कोई भी सोर्स मिडल में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मोर देन वन सोर्स। या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि तीन सोर्स हों, एक सोर्स यहाँ अवेलेबल हो, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, मोर देन वन सोर्स। चाहे जितने भी सोर्स हों सभी वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, या सभी सोर्स सिर्फ करंट सोर्स ही हो सकते हैं, या फिर कुछ सोर्स वोल्टेज सोर्स और कुछ करंट सोर्स भी हो सकते हैं। ओके? देखते हैं अब सुपरपोजिशन को यूज करते कैसे हैं।
क्वेश्चन में आपको इस तरह का एक नेटवर्क दे दिया और बोलता है कि सपोज करंट इज आई, ओके, तो ये पूछा कि आई की वैल्यू बताइए, या फिर आपसे ये पूछा कि आर फोर, जो रेसिस्टर आर फोर है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज बताइए। दिस इज सपोज वी ए, इस नोड का वोल्टेज हमने मान लिया वी ए। तो यानी कि सुपर पोजिशन के क्वेश्चन में आपसे पूछेगा या तो यहाँ आई की वैल्यू पूछ लिया या फिर इस नोड पर का वोल्टेज पूछ लिया। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग सुपर पोजिशन। तो इस नेटवर्क में दो सोर्स हैं। सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया इस वोल्टेज सोर्स को, इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स अभी एक्ट करेगा और ये करंट सोर्स एक्ट नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन थ्योरम, जब एक सोर्स एक्ट कर रहा होगा तो दूसरा जो अदर सोर्स होगा, अगर वो वोल्टेज सोर्स है उसको आप शॉर्ट सर्किट करिए, या फिर अगर वो करंट सोर्स है तो आप उसे ओपन सर्किट करिए। तो जब ये वोल्टेज सोर्स एक्ट कर रहा होगा तो दूसरा सोर्स यानी कि ये करंट सोर्स है, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे? ओपन सर्क्यूट। जैसे ही आपने इसको ओपन सर्क्यूट किया तो इस नेटवर्क में सिर्फ एक सोर्स बच गया, दिस इज वी, वोल्टेज सोर्स। अब इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो आप कर लीजिए। सपोज अगर इस रेसिस्टर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू आपसे पूछा है, तो आप इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सपोज इसकी वैल्यू आई आई वन और डायरेक्शन ऐसा ही है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में अब करंट सोर्स एक्ट करेगा और जो वोल्टेज सोर्स है ये एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है इसलिए ये शॉर्ट सर्क्यूट होगा, ओके। अब इसे शॉर्ट सर्क्यूट करने के बाद आप फाइंड आउट करना कि इस आर फोर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। सपोज इसमें अब करंट फ्लो कर रहा है आई टू, फर्स्ट केस में आई वन था, अभी है आई टू, ओके। और डायरेक्शन सपोज इसी डायरेक्शन में है, तो हम इसे करेंगे प्लस, क्योंकि दोनों करंट एडिटिव होंगे। और यदि आई टू का डायरेक्शन अपोजिट है लाइक दिस, तब हम करेंगे आई वन माइनस आई टू, ओके। और यही होगा वैल्यू ऑफ टोटल करंट। सेम तरीका एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ वोल्टेज कैलकुलेशन, ओके। यदि इस नोड पर का वोल्टेज पूछा है, इसके केस में भी वोल्टेज सोर्स की वजह से कुछ वोल्टेज आएगा इस नोड का, उसे मान लेना कि वी वन, और इस करंट सोर्स की वजह से कुछ वोल्टेज आएगा उसको मान लेना वी टू। यदि दोनों की पोलैरिटी सेम होगी तो ये प्लस हो जाएगा, अगर जो डिफरेंट होगी तो वो माइनस हो जाएगा, और ये होगा टोटल वोल्टेज ऑफ दैट नोड। तो अब बात करते हैं हम पावर की। यदि इसी क्वेश्चन में पूछे कि आर फोर के अक्रॉस कितना पावर लॉस होगा, ये फाइंड आउट करिए। तो यदि हम सुपर पोजिशन लगाना चाहते हैं तो ऐसे केस में सुपर पोजिशन एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं यहाँ पर अगर सुपर पोजिशन लगा कर देखूँ तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। सेम अगर जो सुपर पोजिशन के कॉन्सेप्ट से चलें, तो हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो इसमें पावर ड्रॉप होगा आर फोर में, उसे हमने मान लिया पी वन, और सेकेंड सोर्स की वजह से जो इसमें पावर ड्रॉप होगा उसे हमने मान लिया पी टू। यदि इसमें सुपर पोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल होता तो टोटल पावर डेसिपेटेड अक्रॉस आर फोर वो कितना होता, पी वन प्लस पी टू होता, या फिर पी वन माइनस पी टू होता, अलजेब्राइक सम होता पी वन और पी टू का, जैसा कि हमने करंट और वोल्टेज में देखा। यहाँ पे आई वन प्लस आई टू भी हो सकता है, आई वन माइनस आई टू भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी, ओके। उसी तरह वोल्टेज में भी होता है, और यदि इसी तरह हम पावर में भी बात करें कि पी वन प्लस पी टू हो सकता है या फिर पी वन माइनस पी टू हो सकता है, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि सुपर पोजिशन थ्योरम पावर के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ठीक है, यदि एप्लीकेबल नहीं होता है और फिर भी हमें पावर फाइंड आउट करना है, तो
तो हम कैसे करेंगे? इन दिस केस पी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी वन, जो कि आपने फाइंड आउट किया है पी वन एंड पी टू, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ पी टू का होल स्क्वायर। ओके, ये होगा आपका करेक्ट रिजल्ट। फिर आप कहोगे कि यहाँ पर जो प्लस और माइनस साइन आपने दिया है तो इसका क्या मतलब है? तो इसको देखते हैं। सपोज फर्स्ट सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो किया वो इस डायरेक्शन में, ओके, आई वन करंट, और सेकेंड सोर्स की वजह से भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो किया, सपोज आई टू, दोनों करंट का डायरेक्शन सेम होने की वजह से मैं यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिखूंगा, ओके, रूट अंडर पी वन प्लस रूट अंडर पी टू का होल स्क्वायर। यदि यहाँ पर आई टू का डायरेक्शन आई वन के अपोजिट डायरेक्शन में होता तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लेते, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू। इसमें कहता है कि डिटरमिन द पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स टू द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट, यानी कि ये जो 5 एम्पीयर का एक करंट सोर्स है ये इस पूरे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कितना पावर डिलीवर कर रहा है, ये पूछता है। जितना पावर यह करंट सोर्स इस नेटवर्क को डिलीवर करेगा उतना ही पावर ये नेटवर्क एब्जॉर्ब करेगा। यदि हम ये फाइंड आउट कर लें कि इन चारों रेसिस्टर में कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा है तो हम बता सकते हैं कि उतना ही पावर यह करंट सोर्स डिलीवर कर रहा होगा, ओके। तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क, ओके। R3 एंड R4 बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, इन दोनों को आप ऐड करिएगा, 4 + 6 ये हो जाएगा 10 ओम। नाउ यह 10 ओम और ये R2 3 ओम, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा 3 पैरेलल विथ 10 ओम, यानी कि 3 × 10 / 3 + 10, दैट मीन्स 30/13 ओम। जो इक्विवेलेंट हमने यहाँ तक फाइंड आउट किया यह अब R1 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, दिस इज 2 ओम, इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि R इक्विवेलेंट विल बी 2 ओम प्लस दिस रेसिस्टेंस, यानी कि 30/13 ओम। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4.31 ओम। यानी हम कह सकते हैं कि एक 5 एम्पीयर का करंट सोर्स है जिसके साथ 4.31 ओम रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। दैट्स इट, यह नेटवर्क सिंप्लीफाइड होके कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब क्वेश्चन में पूछता है कि 5 एम्पीयर का यह जो करंट सोर्स है वो कितना पावर डिलीवर करेगा, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि 4.3 ओम का यह जो रेसिस्टर है वो कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो यह जो पावर एब्जॉर्ब करेगा वो होगा I² × R, तो I कितना इसमें फ्लो करेगा, 5 एम्पीयर, 5² × रेजिस्टेंस कितना है, 4.31। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 107.69 वॉट। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है कि डिटरमिन द पावर ऑफ लैंप ए एंड लैंप बी रेस्पेक्टिवली फॉर द गिवन सर्क्यूट डायग्राम। इस डायग्राम में दो लैंप दिए हुए हैं, लैंप ए एंड लैंप बी, दोनों का रेसिस्टेंस दिया हुआ, एक का 10 ओम एक का 5 ओम। ये दोनों लैंप सीरीज में कनेक्टेड हैं और उसके साथ ही 40 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। अब यह पूछता है कि लैंप ए में कितना पावर लॉस होगा और लैंप बी में कितना पावर लॉस होगा, या फिर लैंप ए और लैंप बी में कितना पावर एब्जॉर्ब होगा। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि 10 ओम रेसिस्टेंस और 5 ओम रेसिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 ओम, आर इक्विवेलेंट इज 15 ओम, वोल्टेज सोर्स गिवन है 40 वोल्ट, तो हम यहाँ से
जो करंट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. करंट आई विल बी 40/15 यानी कि 2.66 एम्पियर. अब यही आई करंट लैंप ए से भी फ्लो करता है और सेम आई करंट लैंप बी से भी फ्लो करता है. तो हम दोनों लैंप का बारी बारी से पावर कैलकुलेट करते हैं. लैंप ए के लिए पावर एब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस ऑफ लैंप ए. आई कितना है 2.66 एम्पियर, तो इसका स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस ऑफ लैंप ए दैट इज 10 ओम. इसको जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 71.11 वॉट. फिर हम देखते हैं लैंप बी के बारे में. इसका होगा एब्जॉर्ब पावर विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस ऑफ लैंप बी यानी कि 2.66 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 5 ओम यानी कि इसका आंसर आपको मिलेगा 35.55 वॉट. बढ़ते हैं अब ऑप्शंस की तरफ. तो यदि आप ऑप्शन सी को ऑब्जर्व करो तो इसमें जो वैल्यू गिवन है वो हमने फाइंड आउट किया है इसके बहुत ही करीब है ऑप्शन सी की वैल्यू. सो हम ऑप्शन सी पे मार्क करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ एन 18 मीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर व्हेन द रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर इज 0.67 ओम मीटर एंड द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज 12 ओम्स. तो हमें फाइंड आउट करना है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट वायर. ओके, यहाँ देखिए यह एक वायर है जिसका लेंथ L इज इक्वल टू 18 मीटर गिवेन है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ. ओके, एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि हमें फाइंड आउट करना है A इज इक्वल टू वॉट. इस वायर की रेसिस्टिविटी गिवेन है 0.67 ओम मीटर और रेसिस्टेंस की वैल्यू भी पता है हमें 12 ओम. जैसा कि हम जानते हैं रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है और इसलिए यहां से एरिया विल बी इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय आर. तो दिस विल बी इक्वल टू रो यानी कि 0.67 मल्टीप्लाई विथ एल यानी कि 18 मीटर डिवाइडेड विथ रेसिस्टेंस यानी कि 12 ओम. जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.005 मीटर स्क्वायर. ओके, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अब क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि डिटरमिन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन माइक्रोफेरेड ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. और हमारे पास यह एक नेटवर्क दिया हुआ है. बहुत ही सिंपल सा सवाल इसने पूछा है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि यदि दो कैपेसिटर C1 C2 को सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C1 मल्टीप्लाई विथ C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. और यदि इसी दोनों कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C1 प्लस C2. ओके, यह 10 माइक्रोफेरेड और 40 माइक्रोफेरेड बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो इसे हम लिखेंगे 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 40. ये आपको आंसर देगा 8 माइक्रोफेरेड. नाउ दिस 4 माइक्रोफेरेड एंड दिस 8 माइक्रोफेरेड बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो फिर हम लिखेंगे इसका इक्विवेलेंट 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 दैट मीन्स 32 डिवाइडेड बाय 12. जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा 2.667 माइक्रोफेरेड. ये 2.667 माइक्रोफेरेड जो इक्विवेलेंट अभी तक आया है वो इन तीनों कैपेसिटर का है. यानी हम इन तीनों कैपेसिटर की जगह एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
2.667 का यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए यह 20 माइक्रोफेरड और 2.667 माइक्रोफेरड बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी 20 + 2.667 यानी कि 22.667 माइक्रोफेरड। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है कि डिटरमिन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये सेपरेशन आपको फाइंड आउट करना है इन मिलीमीटर गिवन है। तो द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेस्ड इन एयर व्हेन द एरिया ऑफ द प्लेट्स इज 0.02 स्क्वायर मीटर, द वोल्टेज ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 4 वोल्ट एंड द चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स इज 16 पिकोकुलम। दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि कनेक्टेड है एक 4 वोल्ट की बैटरी से। दिस इज 4 वोल्ट। दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी। यहाँ पर डायलैक्ट्रिक के रूप में एयर यूज हुआ है और जैसा कि हम जानते हैं कि या तो एयर हो या फिर वैक्यूम हो, दोनों के केस में रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है दैट इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में अब कहा है कि इस कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर्ड है यानी कि Q इज इक्वल टू 16 पीको कूलम, यानी कि दैट इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लीकेशन विद 10^-12 कूलम। सो यहां से हम कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। C इज इक्वल टू Q/V दैट इज 16 × 10^-12 डिवाइडेड विद 4, यानी कि C की वैल्यू होगी 4 × 10^-12 फैराड। नाउ कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए डिवाइडेड बाय डी। यहाँ पर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स एंड ए इज द एरिया ऑफ प्लेट्स। ओके, यहाँ से आपको डी फाइंड आउट करना है। सो डी विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डिवाइडेड बाय सी। सो डी विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट को हम लिखेंगे 8.854 × 10^-12 इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी 1 क्योंकि इसमें डायलैक्ट्रिक के रूप में एयर यूज हुआ है एंड मल्टीप्लीकेशन विथ एरिया ऑफ प्लेट जो कि क्वेश्चन में गिवन है 0.002 स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस सी जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 4 × 10^-12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 0.004427 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में कहा है इस डिस्टेंस को मिलीमीटर में बताओ, यानी कि जब आप इसे मिलीमीटर में लिखोगे तो होगा 4.427 मिलीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इन चार ऑप्शन में किसके पास एबिलिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की, तो हम 1 by 1 ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन बी में कहता है रेसिस्टर। तो जैसा कि हम जानते हैं रेसिस्टर सिर्फ पावर को डेसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये किसी भी तरह की एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। ओके, अब ऑप्शन डी कहता है इंडक्टर, तो ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। ऑप्शन सी कहता है कैपेसिटर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। ऑप्शन ए कहता है सुपर कंडक्टर, ये भी किसी भी चार्ज को स्टोर नहीं करता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं सुपर कंडक्टर के बारे में. ओके, व्हेन अ सर्टेन मटेरियल इज कूल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी देन इट इज कॉल्ड एज सुपर कंडक्टर. और सुपर कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है दैट इज जीरो, और इसमें वेरी वेरी हाई करंट फ्लो करता है. चूंकि इसका रेसिस्टेंस जीरो होता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें कोई भी पावर लॉस नहीं होगा, यानी कि ये कोई भी पावर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कोई भी हीट डेसिपेट नहीं करेगा. ओके, और इसके साथ ही ये किसी भी प्रकार की एनर्जी को स्टोर नहीं करता है. इट्स ऑल अबाउट सुपर कंडक्टर. बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 8. ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर. जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रिकल पावर के लिए आप यूज करते हो आई स्क्वायर इंटू आर, या फिर आप वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर भी लिखते हो. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9. ये कहता है कि व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस इन ओम ऑफ अ रेसिस्टर व्हेन द करंट थ्रू द रेसिस्टर इज 2 एम्पीयर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रेसिस्टर इज 40 वोल्ट. यानी कि इस क्वेश्चन में हमें वोल्टेज पता है दैट इज 40 वोल्ट, और करंट की वैल्यू पता है दैट इज 2 एम्पीयर. So we have to find the resistance. R will be equal to V upon I, yani ki 20 ohm. To kaun sa option sahi hai? Option A is correct. Next question dekhiye, question number 10. Ye kehta hai ki determine the value of current in ampere through 30 ohm resistor of the circuit given below. यानी कि यहाँ जो 30 ओम का रेसिस्टर गिवन है इस नेटवर्क में, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसे हमें फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि यहाँ पर केवीएल लगा लेता हूँ तो एक लूप यहाँ बन जाएगा और दूसरा लूप यहाँ बन जाएगा, बाय यूजिंग केवीएल हम इसे सॉल्व कर लेंगे. तो बिल्कुल सही है, आप केवीएल यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं. किसी के मन में ये ख्याल आएगा कि हम इसमें केसीएल यूज करते हैं, किरचॉप्स करंट लॉ, तो इसके लिए हम ये वाला नोड चूज करेंगे और इस नोड पे हम केसीएल यूज करेंगे. तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम किरचॉप्स करंट लॉ यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि KCL यूज करने के लिए हमें दिस करंट एंड दिस करंट, ये तीनों करंट पता होना चाहिए. ओके, एंड इस क्वेश्चन में इस वोल्टेज सोर्स के थ्रू फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू गिवन नहीं है, यानी कि दिस इज अननोन, और इसी वजह से हम यहाँ पर KCL यूज नहीं कर सकते. तो आप KVL यूज कर सकते हो, या फिर सबसे शॉर्ट मेथड, आप केवीएल भी यूज ना करो, आप डायरेक्ट ये देखो कि यहाँ का वोल्टेज 40 वोल्ट है, यानी कि सेम वोल्टेज इस नोड पर का होगा, यहाँ हम 40 वोल्ट लिख सकते हैं. ओके, और दूसरी साइड यहाँ पे गिवन है एक वोल्टेज दैट इज -20 वोल्ट. तो बहुत ही आसानी से हम ये करंट फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सपोज दिस करंट इज आई, आई विल बी इक्वल टू 40 वोल्ट माइनस सेकेंड वोल्टेज सोर्स जो है वो है -20 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो रेसिस्टेंस है ये 30 ओम डिवाइडेड बाय 30, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 एम्पीयर. यानी कि आप कह सकते हैं कि इस 30 ओम से जो करंट फ्लो करेगा वो उसकी वैल्यू होगी 2 एम्पीयर और इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11.
ये कहता है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इन मिली फैराड ऑफ अ सर्किट व्हेन द सर्किट इज सप्लाइड विद अ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज 40 ओम्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि XC की वैल्यू गिवन है विच इज 40 ओम और फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, और ये पूछता है कि कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होगी। सो एज वी नो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC विल बी इक्वल टू 1/2πfC। ओके, यहाँ से अगर आप लिखोगे कि कैपेसिटेंस C विल बी इक्वल टू 1/2πfXC, ओके, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, 1/2π फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 50 हर्ट्ज, सो 50, XC की वैल्यू है 40 ओम। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 7.9577 × 10⁻⁵ फैराड। क्वेश्चन में कहा है मिली फैराड में फाइंड आउट करने के लिए, तो आंसर होगा 0.079 मिली फैराड। करेक्ट आंसर 0.079 मिली फैराड होगा, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, डिटरमिन द कैपेसिटिव ससेप्टेंस इन सीमेंस ऑफ अ सर्किट इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज 0.08 मिली फैराड एंड सप्लाइड विथ अ 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटिव ससेप्टेंस इज 1/ कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि 1/XC। दिस विल बी इक्वल टू 2πfC। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 2π × फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 50 हर्ट्ज एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है 0.08 मिली फैराड यानी कि मल्टीप्लाई विथ 10⁻³। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.025 एंड यूनिट होगा इसका सीमेन। तो ऑप्शंस को देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0.025। यहाँ पर एक और पॉइंट आप नोट करिएगा अबाउट द यूनिट। तो ससेप्टेंस को मैंने लिखा है 1/XC, XC है एक रिएक्टेंस, यानी कि ससेप्टेंस का जो यूनिट है सीमन इज इक्वल टू 1/XC का जो यूनिट होगा दैट इज ओम, है ना, रिएक्टेंस का यूनिट है ओम, यानी कि 1/ओम इज इक्वल टू सीमन, ऐसा हम लिख सकते हैं इन दोनों यूनिट को कंपेयर करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट गिवन बिलो। इस सर्क्यूट में ये जो करंट I शो कर रहा है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ देखिए यह 20 ओम और ये 20 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इसको हम लिख सकते हैं इन दोनों को 20 पैरेलल विथ 20, दैट मीन्स 10 ओम। सेम उसी तरह ये 20 ओम और ये 20 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इसको भी हम इक्विवेलेंट 10 ओम लिख सकते हैं। अब इस सर्क्यूट को यदि हम रीड्रॉ करें तो दिस विल बिकम 10 ओम एंड हियर 10 ओम विच इज कनेक्टेड विथ अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 50 वोल्ट। अब यह पूछता है कि इसमें से ड्रॉ होने वाले करंट आई की वैल्यू बताइए। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। टोटल रेसिस्टेंस हो गया 10+10 यानी कि 20 ओम, तो करंट की वैल्यू होगी 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20 ओम यानी कि 2.5 एम्पियर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. ये कहता है कि डिटरमिन द लोड रेसिस्टेंस फॉर अ सर्क्यूट व्हेन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स ऑफ 80 वोल्ट टू द लोड इज 80 वॉट. 80 वोल्ट के एक सोर्स से एक लोड कनेक्टेड है जिस लोड में मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर होता है दैट इज 80 वॉट. तो पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि उस लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू बताइए. तो मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड PL विल बी इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4RL. सो यहाँ पे हमें RL को फाइंड आउट करना है. तो RL विल बी इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू PL. हियर RL विल बी इक्वल टू वोल्टेज हमें गिवन है 80 वोल्ट. तो इसका स्क्वायर यानी कि 80 मल्टीप्लीकेशन विथ 80 डिवाइडेड बाय 4 इंटू PL. मैक्सिमम पावर जो गिवन है दैट इज 80 वॉट. सो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो RL की वैल्यू आएगी 20 ओम. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15. ये कहता है कि डिटरमिन द नॉर्टन्स रेसिस्टेंस इन ओम्स बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी फॉर द सर्क्यूट गिवन. ये जो सर्किट दिया हुआ है इसमें टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी इन दोनों के बीच का नॉर्टन रेसिस्टेंस निकालिए यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करिए. यदि क्वेश्चन में नॉर्टन्स रेसिस्टेंस दिया हुआ हो या फिर थेवेनिन्स रेसिस्टेंस दिया हुआ हो या फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दिया हुआ हो, ऑल आर सेम. ओके, सो वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी. तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो आप फॉलो करोगे वो ये है कि इस पूरे नेटवर्क में जहाँ भी आपको वोल्टेज सोर्स नज़र आए आप उसे शॉर्ट सर्क्यूट कर दीजिए और जहाँ भी आपको करंट सोर्स नज़र आए आप उसे ओपन सर्क्यूट कर दीजिए. लेकिन अगर कहीं डिपेंडेंट सोर्स हो तो आप उसे एज इट इज़ रहने दीजिए. ओके, जैसा कि इस नेटवर्क में सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स गिवन है दैट इज 30 वोल्ट, तो हम इसे क्या करेंगे, शॉर्ट सर्क्यूट करेंगे. अब हम फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस. तो यहाँ से देखिए, दिस 3 ओम एंड दिस 3 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो हम इसे लिख सकते हैं 1.5 ओम. नाउ दिस 1.5 ओम एंड दिस 3 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो हम इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1.5 यानी कि 4.5 ओम. ओके, यानी कि दिस पॉइंट और दिस पॉइंट के बीच का जो रेसिस्टेंस है वो है 4.5 ओम. तो इस 4.5 ओम को हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ दिस 4.5 ओम एंड दिस 3 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो वी विल राइट इट एज 4.5 मल्टीप्लाई विथ 3 डिवाइड विथ 4.5 प्लस 3 यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 1.8 ओम. सो दिस 1.8 ओम जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन से आया इन दोनों का, कनेक्टेड सीरीज विथ दिस 3 ओम रेसिस्टेंस, सो फाइनली वी कैन राइट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1.8 प्लस 3 ओम यानी कि 4.8 ओम. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16. ये कहता है कि डिटरमिन द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट गिवन बिलो. यानी कि ये जो सर्क्यूट दिया हुआ है उसमें ये है टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी, इन दोनों के बीच का थेवेनिन्स रेसिस्टेंस निकालना है. तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैं बता चुका हूँ
कि चाहे थेवेनिन्स रेसिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए, या फिर नॉर्टन रेसिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए, या फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहा जाए, तो तीनों एक ही बात है। ओके, देखते हैं आर इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए मैं बता चुका हूँ, जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स अवेलेबल होंगे उसे हम करेंगे शॉर्ट सर्क्यूट, जो भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स अवेलेबल होगा उसे हम करेंगे ओपन सर्क्यूट, और कोई भी डिपेंडेंट सोर्स अगर अवेलेबल होगा तो उसे हम एज इट इज़ वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पर देखिए एक 40 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जो कि इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हम इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्क्यूट से रिप्लेस करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए ये 30 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है जो कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसलिए हम इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्क्यूट से रिप्लेस करेंगे। ओके, अब हमारे पास सर्क्यूट कुछ इस तरह से बन गया। तो अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं आर इक्विवेलेंट। 3 ओम के 3 रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, सो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 ओम के 1 रेसिस्टर से। ओके, तो देखिए इस सर्क्यूट को रीड्रॉ करते हैं हम, जो यहाँ पे इक्विवेलेंट 1 ओम रेसिस्टेंस आया उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिस इज 1 ओम रेसिस्टेंस, और ये जो 1 ओम रेसिस्टेंस है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज 1 ओम रेसिस्टेंस, और ये जो 2 टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, इन दोनों को हम बाहर की साइड शो कर सकते हैं, दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस वन इज टर्मिनल बी। यहाँ से अब देखने से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि 2 1 ओम का रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, सो वी कैन से दैट द रेसिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी विल बी इक्वल टू 0.5 ओम। ओके, यानी कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, ये कहता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लोड इम्पीडेंस फॉर ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स टू लोड व्हेन द सोर्स इम्पीडेंस इज 8.04 ओम्स। यह क्वेश्चन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से रिलेटेड है। यहाँ पर इस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले हम जानते हैं कि इसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन इसकी ये होती है कि लोड शुड बी वेरिएबल। यदि कोई फिक्स लोड लगा हुआ है उसके केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जो कंडीशन होती है, दैट इज ZL विल बी इक्वल टू ZS का कॉन्जुगेट, यानी कि लोड इम्पीडेंस उतना ही होगा जितना कि सोर्स इम्पीडेंस के कॉन्जुगेट होंगे। ओके, तो आते हैं अब इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहा है कि सोर्स इम्पीडेंस यानी कि ZS इज इक्वल टू 8 j 4 ओम, लोड इम्पीडेंस पूछा है यानी कि ZL इज इक्वल टू व्हाट। तो एज वी नो ZL इज इक्वल टू ZS का कॉन्जुगेट, और ZS हमें गिवन है, इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को एज इट इज लिखते हैं, दिस इज 8 इज हियर, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें हम प्लस J को माइनस J के साथ रिप्लेस करेंगे, या अगर माइनस J गिवन हो तो उसे हम प्लस J के साथ रिप्लेस करेंगे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 8 j 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये पूछा है KVL के बारे में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। ये कहता है कि द अल्जेब्रिक सम ऑफ All the voltages around any closed path is infinite. ये statement wrong है। Second में कहता है is negative. This is also wrong. C option कहता है कि this is 1. This is also wrong. And option D कहता है कि the algebraic sum of all the voltages around any closed path is 0. So option D is correct.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सुपरपोजिशन थ्योरम। ये सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बहुत ही डिटेल में सुपरपोजिशन थ्योरम को समझा चुका हूँ, तो यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऑप्शन बी को रीड करिए। ऑप्शन बी में कहता है कि द ओवरऑल करंट इन एनी पार्ट ऑफ अ लीनियर सर्क्यूट इज इक्वल टू द अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच सोर्स सेपरेटली। ओके, दिस इज द सुपरपोजिशन थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। ये कहता है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पीयर ड्रॉन फ्रॉम 8 वोल्ट बैटरी व्हेन अ वायर ऑफ 24 ओम्स रेसिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड डबल्ड इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड देन कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड दीज इक्वल पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द बैटरी। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन में ये कहता है कि यह एक वायर जिसका रेसिस्टेंस है 24 ओम, लेकिन इस वायर को हमने स्ट्रेच्ड किया और इसका लेंथ डबल कर दिया, यानी कि अगर इसका लेंथ L रहा होगा तो इस वाले पोर्शन का लेंथ विल बी 2L। फिर कहता है कि लेंथ जब डबल हो गया उसके बाद हम इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। तो यहाँ पे हमने इसे डिवाइड कर लिया दो इक्वल पार्ट्स में, और क्वेश्चन में कहता है कि ये दोनों इक्वल पार्ट्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और उस पैरेलल कॉम्बिनेशन को 8 वोल्ट की बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे। ओके, दिस इज 8 वोल्ट बैटरी, इसके साथ हम उस पैरेलल कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करेंगे। सपोज इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, सो हम कह सकते हैं कि इस वायर का जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम विल बी ए इंटू एल। लेकिन जब हमने इस वायर को डबल लेंथ तक स्ट्रेच्ड कर दिया उसके बाद जो इसका लेंथ हुआ दैट इज 2L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इसका हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है, तो इसका हम वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू लेंथ जो कि 2L है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि मैंने बताया हाफ हो जाएगा a बाय 2। तो आप इसको लिखोगे a इंटू एल जो कि प्रीवियस वॉल्यूम के बराबर है, और ऐसा ही होना चाहिए। सो वी कैन से दैट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस वायर विल बी a बाय 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि इस वायर को हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि अब जो लेंथ बनेगा वो होगा l और दूसरे पार्ट का भी लेंथ होगा L, बट क्रॉस सेक्शन एरिया तो A बाय 2 ही रहेगा। नाउ हम फाइंड आउट करते हैं रेसिस्टेंस ऑफ दिस वायर, ओके, या फिर रेसिस्टेंस ऑफ दिस वायर। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कंपैरिजन के लिए फर्स्ट वायर को चूज करते हैं। इस वायर में लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो रेसिस्टेंस हुआ 24 ओम, और न्यू वायर में लेंथ L है क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो गया, तो रेसिस्टेंस कितना होगा? एज वी नो रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हाफ हुआ तो जाहिर सी बात है कि रेसिस्टेंस इसका डबल हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि इस पार्ट का जो रेसिस्टेंस रहा होगा R1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन विद 24, यानी कि इसका रेसिस्टेंस रहा होगा 48 ओम, और सेकेंड पार्ट का भी रेसिस्टेंस रहा होगा 48 ओम। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि इन दोनों सेक्शन को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जब हम दो 48 ओम के रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा 24 ओम। नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन का कि
इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को यानी कि 24 ओम को हम 8 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो बताइए कि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। दिस इज द क्वेश्चन। तो यहां से हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई विल बी इक्वल टू 8/24 यानी कि 1/3, दैट मीन्स 0.333 एम्पियर, इतना करंट इसमें फ्लो करेगा। ओके, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। ये कहता है कि डिटरमिन द हीट डेसिपेटेड थ्रू अ रेसिस्टर ऑफ 15 ओम्स व्हेन 0.5 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टर फॉर 8 सेकेंड्स। यह एक रेसिस्टर है जिसकी वैल्यू 15 ओम है और इसमें 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करता है फॉर 8 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन में पूछता है कि कितना हीट डेसिपेट होगा इस रेसिस्टर से, या फिर यदि इस क्वेश्चन में ये पूछे कि यह रेसिस्टर कितना एनर्जी लॉस करेगा, तो दोनों स्टेटमेंट सेम होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एनर्जी लॉस या फिर हीट डेसिपेटेड विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। यहाँ से आप देखिए इस रेसिस्टर में पावर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे आई स्क्वायर इनटू आर। आई की वैल्यू है 0.5, सो 0.5 का स्क्वायर इनटू 15, दैट मीन्स 15/4। बट यदि हमें हीट डेसिपेटेड निकालना हो या फिर एनर्जी लॉस निकालना हो, तो हम ये पावर 15/4 को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ गिवेन 8 सेकेंड। तो यहाँ से आप इसे कैलकुलेट करोगे और आपको आंसर मिलेगा 30 जूल। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर यूनिट के बारे में थोड़ी बात कर लूँ। दिस यूनिट इज जूल। जूल को हम वॉट सेकेंड भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ जो टाइम से हम मल्टीप्लाई करेंगे ये टाइम शुड बी इन सेकेंड। यदि क्वेश्चन में 8 सेकेंड की जगह 2 मिनट दिया होता तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, आप उस 2 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करते और फिर 60 × 2 यानी कि 120 से यहाँ मल्टीप्लाई करते। ओके, यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि एनर्जी लॉस या फिर हीट डेसिपेट दोनों का यूनिट सेम होता है, दैट इज जूल या फिर वॉट सेकेंड। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 22। ये कहता है कि व्हाट विल बी द कलर कोडिंग ऑफ अ रेसिस्टर व्हेन द रेसिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर इज 15 ओम्स। और हमारे पास 4 ऑप्शन गिवेन है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कलर कोडिंग ऑफ अ रेसिस्टर पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल भी लिया हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यह आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में कलर कोडिंग से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है। ओके, मैं यहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करता हूँ। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। ये कहता है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 3 एम्पियर एंड द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज 0.3 मो। तो यहाँ देखिए कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/ रेसिस्टेंस। जो कंडक्टेंस का सिंबल होता है दैट इज जी, सो वी कैन से दैट जी विल बी इक्वल टू 1/R। जैसा कि हमें पता है रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, OHm, एंड कंडक्टेंस का यूनिट होता है मो यानी कि MHO। रेसिस्टेंस का यूनिट जो ओम है उसका सिंबल इज दिस, एंड जो कंडक्टेंस की यूनिट मो है उसका सिंबल
reverse like this. Okay, जैसा कि आपको पता है कि according to Ohm's law V is equal to I into R, तो आप क्या लिखेंगे, V will be equal to I divided by G. Okay, इस question में current की value given है, that is 3 ampere, and G की value given है 0.3 mho. तो इसका आंसर होगा 10 वोल्ट, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इसको देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, और इसमें सी की वैल्यू गिवन है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 0.1 मिली फेराड, और वोल्टेज हमें दिया हुआ है वी इज इक्वल टू 20 वोल्ट. तो पूछा है कि बताइए कि इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा, यानी कि क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी आप अप्लाई करोगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 मिली कूलम, यानी कि आंसर आप मार्क करोगे ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, ये कहता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस द वोल्टेज इज व्हाट. तो जब हम बहुत सारे रेसिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वैसे केस में हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है. ओके, और हर एक रेसिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि इन सारे रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है. लेकिन इनकी वैल्यू कुछ भी हो, वोल्टेज तो सबका सेम ही होगा. ओके, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सी. ये कहता है कि सेम अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास. इसमें कहता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कंडक्टिविटी का यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है, ये हमें बताना है कि कौन सी यूनिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हो सकती है. तो यहाँ देखिए, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/ रेसिस्टिविटी. जैसा कि हमें पता है R इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर. ओके, इसको यदि हम ऐसे लिखें, 1/ रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय R इनटू A. और यहाँ से देखिए, 1/ रेसिस्टिविटी, इसे हम लिख सकते हैं कंडक्टिविटी. सो हम कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी का जो यूनिट होगा वो इसके यूनिट के बराबर होगा. तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, लेंथ की यूनिट दैट इज मीटर डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस का यूनिट ओम इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. ओके, यहाँ से आप ओवरऑल लिखोगे 1/ ओम इनटू मीटर. यदि आपके ऑप्शन में ऐसा गिवन होता ओम मीटर इनवर्स, तो ये आंसर भी सही होता, लेकिन इस तरह का फॉर्मेट नहीं गिवन है. तो इसलिए याद करिए, आज के ही लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में बताया था कि यूनिट सीमन को हम लिख सकते हैं 1/ ओम. ओके, सीमन यूनिट होता है ससेप्टेंस का. ओके, एंड एस इज इक्वल टू 1/ ओम. सो यहाँ पर हम 1/ ओम की जगह पे एस लिख सकते हैं. सो ओवरऑल कंडक्टिविटी की यूनिट आ गई एस डिवाइडेड बाय एम, यानी कि सीमन पर मीटर. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही. यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए. यदि अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट में यह जरूर बताएं हमें कि इस वीडियो में किस तरह की कमी रह गई, ताकि मैं उसे सुधार करूं और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय.